हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल निक यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिससे आप कोई भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। कोई भी वेबसाइट में जो डिटेल्स आती है उसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप गूगल से पता ना कर सकें। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गूगल पे सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो अच्छी होती है, और कई जिसमें आपके मोबाइल में वायरस भी आ सकता है, ऐसी भी कई हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम इस वेबसाइट के बारे में बात करेंगे कि जिससे आपके फ़ोन में डैमेज हो सकता है, मतलब कि कोई भी वायरस आई है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, कौन सी वेबसाइट वायरस वाली है, उसकी हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दें, आपने अभी तक हमारी चैनल टेक्निकल निक को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह रहा लाल बटन, इस पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र होगा, आप जो भी चीज़ गूगल पे सर्च करेंगे वो क्रोम में भी दिखाएगी। तो हम उसमें एक सेटिंग करेंगे जिससे आप कोई भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एरर आ जाएगा कि इस वेबसाइट पे आप मत जाइए क्योंकि इसमें डेंजर है, वो सब जानकारी इसको इस सेटिंग के ज़रिए आप लगा सकेंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स ऐसा ऑप्शन दिख रहा है गूगल क्रोम पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी जो है वो दिखाई देगी और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जो आपके फ़ोन में आपको लैंग्वेज गूगल क्रोम में चेंज करनी है तो इसे आप कर सकेंगे। हमें दोस्तों आज सिर्फ ये काम करना है कि किस तरह से आपके फ़ोन में वायरस एंटर ना हो। तो हम प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेफ ब्राउजिंग और यूज़ पेज प्रेडिक्शन, ऐसा दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस दोनों पे दोस्तों आपको टिक मार्क होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम डेंजरस साइट्स। इसका मतलब कि आपके फ़ोन में आप किसी भी साइट पर जाते हैं वो डेंजर है तो आपको पहले से ही नोटिस देगा। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।